अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस के साथ सर यूनस। आज हमारा सेकंड टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये बात याद रखिएगा, इम्पल्सेस मे ट्रैवल एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, जो इम्पल्सेस होती हैं ना, जो हमारी नब्ज़ होती है वो फास्ट ट्रैवल करती है तकरीबन 150 मीटर पर सेकंड, और स्लो इतनी होती है 0.2 मीटर पर सेकंड। मीन दैट कि उसकी जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड होती है एंड दैट इज़ इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड, बट लोएस्ट स्पीड इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं नर्व की। नर्व किसे कहते हैं? वो कहते हैं अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स। नर्व जो होता है ना, एक केबल लाइक बंडल होता है एक्सॉन का, जो कि इनक्लोज होता है एक कॉमन शीट के अंदर। ठीक है, नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन इनक्लोज इन अ कॉमन शीट। नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर। नर्व जो है ना, वो मैसेज को ट्रांसफर करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस को बेस बना के न्यूरॉन हैज थ्री टाइप्स। कितनी टाइप्स होती हैं? थ्री टाइप्स, याद रखिएगा। वन ऑफ देम इज अ सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। थ्री टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? सेंसरी न्यूरॉन की बात करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन। मीन सेंसरी न्यूरॉन नर्व इंपल्सेस लेकर जाते हैं कहाँ से? सेंस ऑर्गन। अब पांच टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, आपने 6 या 7 क्लास में इसको डिस्कस किया होगा, सॉरी 6 क्लास चैप्टर नंबर 2 में जो है ना, द सेंस ऑर्गन्स जो है ना, उसमें उन्होंने पांचों को डिस्कस किया अलग-अलग। उसमें ईयर्स, आईज, स्किन, टंग, नोज एट्सेट्रा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। मतलब सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है कि नर्व इंपल्सेस के को ना भेजना फ्राम कहाँ से भला? सेंस ऑर्गन से कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इंपल्सेस फ्राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर। जो मोटर न्यूरॉन होता है, इसका काम ये होता है कि नर्व इंपल्सेस को लेकर जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एफेक्टर की तरफ, मसल्स एंड ग्लैंड्स की तरफ। द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड, के वो पार्ट जो इसको रिस्पॉन्ड भी करता है। इंटर न्यूरॉन की बात करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स आर द प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंटर न्यूरॉन कहाँ मौजूद होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे फॉर्म अ लिंक, वो एक लिंक बनाता है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, जो कि एक लिंक होता है दो चीज़ों के दरमियान, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं एग्जाम में भी दूंगा, आपने भी इसको अच्छे से करना है। देखें, ये सेल बॉडी होती है जो हमने पिछले डिस्कस की थी, ये डेंड्राइट्स हो गए, ये सेंसरी न्यूरॉन और ये एक्सॉन हो गया, ये सेल बॉडी अगेन आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नजर रखती नज़र आ रहा होगा आपको, दैट इज़ कॉल्ड द सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद ये है इंटर न्यूरॉन और ये है मोटर न्यूरॉन। क्लियर हो गई? तो ये सेल बॉडीज़ हैं, एक्सॉन है दोबारा, तो सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन आर वर्किंग हिज हेयर। उसके बाद हम चलते हैं CNS की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, CNS क्या होता है? वो कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोलर सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। जैसे कंट्रोलर होता है ना, मीन एक जो सबसे बड़ा कंट्रोल करने वाला होता है सिस्टम को, वो CNS होता है। इट कंप्राइजेस, ये कंप्राइजेस होता है दो चीज़ों के ऊपर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। ब्रेन जो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रैनियम। याद रखिएगा, क्रैनियम किसे कहा जाता है? क्रैनियम कहा जाता है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो एक बोनी स्कल के अंदर एक जो है वो जो एक हड्डियों का ढांचा होता है उसके अंदर इनक्लोज होता है, और कंसिस्ट ऑफ अ बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन, जो कि मुश्तमिल होता है बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स के ऊपर। इट इज़ डिवाइड इन द फॉलोइंग पार्ट्स। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, वन ऑफ देम इज़ अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड अ हाइंड ब्रेन। अच्छा जी, अब ये फोर ब्रेन क्या होता है? एक्चुअली फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो होता है ना, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। ये थ्री मेन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम हो गया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पर ये कंसिस्ट करता है। सेरिब्रम जो होता है, इज़ द टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब सबसे ऊपर होता है वैसे और लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इट इज़ डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये हम इसको डिवाइड करते हैं राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान। सेरिब्रम कंट्रोल मैनी एक्शन, बहुत से एक्शंस कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग, आपकी सोच को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके हियरिंग, परसेप्शन,
परसेप्शन कहते हैं कि पेशगोई करना, मेमोरी, स्पीच एंड डिसीजन मेकिंग, तमाम चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद है इनसाइड सेरिब्रम, देयर इज स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। सेरिब्रम के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं थैलेमस। देखिए ये फॉर ब्रेन है, ये सेरिब्रम है, ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। इट कंट्रोल मैनी सेंसरी फंक्शन, ये कंट्रोल करता है बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस को। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेस होती है किसकी वाला, थैलेमस की। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हंगर भूख को कंट्रोल करता है, एंड थ्रिस्ट और प्यास को भी वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद है मिड ब्रेन, जो होता है मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो एक स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, विच इज़ प्रेजेंट, जो मौजूद होता है बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे। इट रिसीव, ये हासिल करता है इंफॉर्मेशन, मालूमात फ्रॉम सेंस ऑर्गन, एंड विच इज़ देन पास टू ऑन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फॉर ब्रेन, और ये अपनी जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो फॉर ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देता है। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम, पॉन्स एंड मेडुला, और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। ठीक है, सेरिब्रम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, ये बिल्कुल बैक पे होता है सेरिब्रम के। इट एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट, एंड ये कंट्रोल करता है बॉडी बैलेंस को, और इसकी प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट होती हैं। पॉन्स की बात करते हैं, पॉन्स इज एन ओवल स्ट्रक्चर, इसकी ओवल स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट बीनीथ मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है। इट कंट्रोल मैनी फंक्शन लाइक स्लीप, हमारी नींद को, स्वेलिंग एंड इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट को कंट्रोल करता है। मेडुला, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा इज फॉर्म्स द पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कहते हैं आखिरी हिस्सा, बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि बाद में फिर ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी हरीड़ की हड्डी से मिल जाता है। मेडुला ऑब्लॉन्गाटा कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, ये हार्ट बीट को और ब्रीथिंग और डाइजेशन कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लॉन्गाटा कीप्स ऑन वर्किंग, ये उस वक्त तक काम करता रहता है व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप, चाहे हम सो भी गए तो फिर भी ये काम करता रहेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियरली समझ आ गया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। ब्रेन ऑफ एन एडल्ट मैन, एक जो इंसान होता है ना, एक नौजवान आदमी, उसका जो दिमाग होता है, उसका जो वेट होता है 1.5 किलोग्राम होता है। मतलब इंसानी दिमाग का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.5 किलोग्राम, एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 अरब न्यूरॉन्स। क्लियर होगी बात, आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायग्राम ज़रूर बनानी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।